गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो हमारी जो न्यू जनरल इंग्लिश कोर्स बुक है, बुक वन की आज हम बात करेंगे। जो मैंने आपको अगला वीडियो जो बना था रिवीजन, ए और एन कब लिखना है, किसके सामने कौन से वर्ड के सामने लिखना है, वो मैंने आपको सिखाया था। और उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल, एस ई एस वी आई ई एस और वी ई एस कब किसके पीछे किसके कौन से वर्ड के पीछे लिखना है वो मैंने आपको समझा दिया। एक बार फिर से मैं आपको वो रिवीजन करवा देता हूँ। ए ओवर एन कब लिखना है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एन ये जो अल्फाबेट है पांच, ए ई आई ओ यू, ये पांच अल्फाबेट है। जो वर्ड्स है उसका जो पहला अल्फाबेट इन पांचों में से कोई है तो उसके सामने आपको लिखना है एन। और इसके अलावा जो भी अल्फाबेट आता है, ए ई आई ओ यू, इसके अलावा जो भी अल्फाबेट आता है तो उसके सामने आपको लिखना है ए। जैसे कि यहाँ पर मैं दो लिखूंगा तो आपको इसका आंसर बताना है। तो आपको ये बताना है, आपको सिर्फ जो ये वर्ड है उसका पहला अल्फाबेट देखना है। यहाँ पर एस है तो इसमें एस है या नहीं, ए ई आई ओ यू, इसमें एस नहीं है तो आपको क्या लिखना है वहां पर ए। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पूरा वर्ड है उसका पहला अल्फाबेट ई है तो यहाँ पर ई है, ए ई आई ओ यू आ ई है तो हम क्या उसके सामने क्या लिखेंगे एन। तो ये मैंने आपको फिर से रिवीजन करवा दिया। फिर उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल, जो 1% है तो हम इसको बोलेंगे सिंगुलर, और वन मोर देन 1%, 1% से ज़्यादा, एक व्यक्ति से ज़्यादा, उसको हम प्लूरल बोलेंगे। मीन्स हम उसको गुजराती में बोलेंगे बहुवचन। आपको मैं गुजराती में दोनों की व्याख्या में आपको समझा देता हूँ। एक वचन कौन ही कहूँ, एक वचन एक वस्तु, एक आदमी, एक स्त्री, एक पुरुष, कोई पण वस्तु एक हो तो एने एक वचन कहेवामां आवे छे। अने बहुवचन मीन्स एक करता वधारे हो। यहाँ पर मतलब यहाँ पर बे डस्टर छे तो यहाँ पर दो डस्टर हुए तो इसको हम क्या बोलेंगे बहुवचन। एक करता वधारे हो तो तेने बहुवचन कहेवामां आवे छे। तो आपको मैंने गुजराती में वो समझा, तो एक से ज़्यादा तो वन मोर देन से ज़्यादा हम उसको बोलते हैं प्लूरल। तो एस कहाँ लगाना है वो मैंने आपको समझा दिया था, ई एस कहाँ लगाना है ई एस एस डबल एस फिर एस एच फिर उसके बाद सी एच एच और ओ, ये अल्फाबेट के अंदर से वर्ड के जो पीछे आता है, जो वर्ड उसके पीछे आता है तो उसको आप उसके पीछे आपको ई एस ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर बस, और बस तो यहाँ पर एस आया कि नहीं तो यहाँ तो इसके पीछे ये प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ पर ए निकल जाएगा तो यहाँ पर बी यू एस ई एस जी क्या लगेगा ई एस। तो वैसे आपको ई एस आई ई एस तो यहाँ पर वाई है तो वाई निकाल के आपको आई ई एस लिखना है, वाई निकाल के आपको आई ई एस लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको पप्पी, यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ पप्पी, तो आपको क्या करना है ये जो वाई है वो निकाल देना, आपको
इतना लिखा तो आपको y की जगह आई ई एस लिखना है। वैसे ही सेम टू सेम f और f की जगह आपको लिखना है v e s। ये भी वही की वही सेम टू सेम है, f या f e आता है तो वो दोनों निकाल के उसके पीछे v e s लिखना है। जैसे कि यहाँ पर बॉल, यहाँ पर हम f जो है वो निकाल लेंगे तो यहाँ पर w o l इसके पीछे क्या आएगा v e s, तो ये वॉल का प्यूरल हो गया। फिर आपको वही ये वही मैंने आपको पांच ब्लैंक्स दिए हैं, फिर इनके ब्लैंक्स वो भी आपने कंप्लीट की होगी, आई होप आपने अच्छी तरह और सही एक आंसर लिखा होगा। फिर उसके बाद जो आगे का जो है वो रिवीजन हमें आपको करवा दें, दिस और दैट, दिस और दैट की कहाँ लिखा जाता है, दिस कहाँ लिखना है और दैट कहाँ लिखना है उसके बारे में। दिस और दैट, हमारे पास हमारे नज़दीक कोई चीज है तो उसको हम सेंट इंग्लिश में सपोज कि यहाँ पर मेरे पास एक चौक है, मेरे पास है तो क्या लिखेंगे उसको बोलेंगे हम दिस इज अ चौक, ये मेरे से दूर है। सपोज कि चौक यहाँ पर है, जो चौक है वो यहाँ पर है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो कितना बहुत बड़ा डिस्टेंस हुआ तो उसको आप क्या बोलेंगे दैट, तो दैट इज अ चौक। वैसे ही सेम टू सेम आपको आगे भी मैंने आपको सिखा दिया था। सपोज कि आप एग्जांपल देते हो, मैं टीचर हूँ और आप मेरे सामने आप लोग बैठे हो तो आपको आंसर देना है, मेरे पास बॉल है उसको आपको दिस आएगा या दैट आएगा, मेरे पास है आपको आप वहाँ से आंसर देना है। तो मैं बोलूँगा तो यहाँ पर आएगा दिस इज अ बॉल क्योंकि मेरे पास है, आप बोलेंगे आपसे दूर है तो आप क्या बोलेंगे दैट इज अ बॉल, जो आपसे दूर है तो आप क्या बोलेंगे दैट इज अ बॉल। वही की वही एग्जांपल आपको मैंने सिखाए थे, फिर आपको एक ड्राइंग करके आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर एक आदमी है, उसके पास बॉल है और यहाँ पर बैट है, ए और ये आपको ये ड्रॉइंग के रूप में आपको समझाता हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ में आए। उसके पास बॉल है क्योंकि उसके पास है, उसके नज़दीक है तो हम उसको क्या बोलेंगे दिस इज द बॉल। बैट है, वह बैट है वो इससे दूर है, इसके पास नहीं उससे दूर है तो क्या आएगा दैट, यहाँ पर आएगा दैट, यहाँ पर आएगा दिस, यहाँ पर आएगा दिस क्योंकि उससे दूर है तो हम क्या लिखेंगे दैट, उससे नज़दीक है तो वहाँ पर हम लिखेंगे दिस। तो आपको मैंने आगे के जो लेसन है उसमें भी आपको मैंने समझा दिया दिस कब यूज करना है और दैट कब यूज करना है। हमारे पास हमारे जो नज़दीक कोई भी चीज़ है उसके लिए हम दिस वर्ड है वो यूज करेंगे और हमारे से दूर है वो हम क्या दैट यूज करेंगे। फिर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर बेंचिस है, मैं बोलता हूँ वह बेंचिस है, मैं बोलता हूँ वह बेंचिस है तो हम उसको क्या लिखेंगे इंग्लिश में दैट, दैट आएगा क्योंकि हम मेरे से दूर है तो दैट इज अ बेंच। यहाँ पर एक बॉक्स है, ये मेरे पास है तो मैं बोलूँगा यह बॉक्स है, वह नहीं यह, वह
दूर हो, वह हिज प्रिय, दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। तो ये यह बॉक्स है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज अ बॉक्स, दिस इज अ बॉक्स। सपोज के टीचर बोल रहा है यह चौक है, तो एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है कि दिस इज अ चौक, क्योंकि टीचर ने बोला कि इसका आपको ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में, तो नज़दीक है तो क्या होगा, दिस, मेरे से दूर है, बहुत दूर है, एक डस्टबिन पड़ी है। तो मैं फिर से बोलूँगा वह डस्टबिन है, मिस कचरा पेटी है, कचरा डालने के लिए आती है वो डस्टबिन, उसको बोलते हैं हम डस्टबिन, वह कचरा पेटी। तो एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है कि दैट इज अ डस्टबिन। वही सेम टू सेम आपको एक एग्जांपल के रूप में आपको ड्राइंग करके समझाया, तो आई होप आप अच्छी तरह समझे होंगे। तो दिस के लिए ये और दैट के बीच में, दिस और दैट के बीच में यही फर्क है। दिस हमारी जो पास जो चीज़ है उसके लिए यूज होता है, और जो दैट है वो हमारे से दूर है उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा जो 6, 7, 8, 9, 10 का जो लेसन था वो मैंने आपको सिखा दिया। आगे का जो लेसन था 1 से लेकर 5 तक सिंगुलर और प्लूरल, वो भी मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। आई होप आपने वो अच्छी तरह समझा भी होगा, और आपने वो अच्छी तरह वो उसका आंसर है वो लिखा होगा। तो आपको 10 सेंटेंस बनाने इस इंच की मदद से, और 10 सेंटेंस बनाने दैट इंच की मदद से। और उसके आगे जो आगे का जो लेसन है 11 क्लासिफिकेशन, जो आपको कौन सा, सॉरी, आपको दिस और दिस एंड दैट का जो लेसन है 10, वो आपको दिखाता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले पर, तो आपको अच्छी तरह वो समझ में आएगा। यहाँ पर दिस कहाँ पर यूज किया है और दैट कहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कोक है, तो उसके पास हो तो क्या उसने कौन सा वर्ड यूज किया, तो दिस, तो दिस इज अ कॉक। फिर उससे दूर है जो जो पीकॉक है वो उससे दूर है, तो उसने क्या यूज किया, उसने दैट यूज किया, दैट इज अ पीकॉक। फिर जो फ्लैग है उसके हैंड में, उसके हैंड में, तो वो क्या यूज किया करेगा, कौन सा वर्ड यूज करेगा, तो दिस, तो दिस इज अ फ्लैग, उससे दूर है, उससे दूर है, तो वो कौन सा यूज करेगा, दैट। वैसे आपको जो बाकी के जो नीचे सेंटेंस दिए थे वो मैंने आपको होमवर्क में लिखने के लिए दिए थे, तो आई होप कि वो आपने अच्छी तरह लिखे होगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जो मैंने आपको वो भी समझा दिया था कि रोड पर चलने वाले जो व्हीकल है उनके नाम कितने, फिर वाटर पर चलने वाले और एयर मीन्स हवा में चलने वाले, तो वो भी रोड पर क्या क्या चलता था, बस, मोटर कार, स्कूटर, बाइक, साइकिलिंग, वॉट एवर भी बहुत सारे जो है वो रोड पर चलते, और पानी पर चलने वाले बोट है, शिप है, स्टीमर है, बहुत सारे व्हीकल्स हैं। और उसके बाद एयर पर चलने वाले एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, मिसाइल है, वॉट एवर भी जितने भी हैं, हवा में चलने वाले, यानी हवा में चलने वाले व्हीकल्स
उसके नाम वहाँ पर लिखना, पर आपको यहाँ पर जो बॉक्स में दिए गए उनमें से ढूंढ के आपको वहाँ पर लिखना है। ये भी मैंने आपको कंप्लीट सिखाया। फिर उसके बाद वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स और कलर्स, वो भी मैंने आपको सिखा दिए। पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स, वो भी मैंने आपको सिखा दिए थे। उसके बाद का जो लेसन है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो ये मैं आपको व्हाट इज दिस और व्हाट इज, यहाँ पर व्हाट इज दिस ही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मंकी का पिक्चर ड्रॉ करके दिया है और इसके सामने लिखा है कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, यह क्या है। तो इसके सामने हम लिखेंगे इट इज अ मंकी, दिस और दैट, व्हाट इज दिस और व्हाट इज दैट, उसकी मदद से आपको वो सेंटेंस, मैंने ये भी आपको सिखाए थे। सपोज के यहाँ पर एक पेंसिल में ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर एक पेंसिल मैंने ड्रॉ की है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट इज दिस या व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस या व्हाट इज दैट। तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे, इट की मदद से आपको उसका आंसर देना है, इट इज अ पेंसिल, इट इज अ पेंसिल, ये पेंसिल। वैसे आपको दिस, व्हाट इज दिस की मदद से आपको वो मैंने सिखाया था और आपको लिखने भी दिया था होमवर्क में, तो आई होप आपने भी वो होमवर्क किया होगा। फिर व्हाट इज दैट, वो भी मैंने आपको सिखाया था और उसको भी हम इट इज की मदद से वो सेंटेंस उसका आंसर हम लिखेंगे। उसके बाद यस और नो, वो भी मैंने आपको सिखाया था, आपको आई होप अच्छी तरह आप समझे होंगे और कैट के बच्चे को हम क्या बोलेंगे, वो भी मैंने आपको सिखाया था। फिर बच्चों को पढ़ाने वाले कौन है, तो टीचर है। हॉस्पिटल में काम करने वाले कौन है, तो नर्स है, वो भी मैंने आपको सिखाया था। आई एम की मदद से आपको 3 सेंटेंस लिखने थे, वो भी मैंने आपको सिखाया था, जैसे कि आई एम एहसान, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, आई एम अ स्टूडेंट, वो सब मैंने आपको सिखाया था। यस और नो की तरफ आप थोड़ा नज़र डालते हैं, तो यस और नो वो आपको मैं थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ। तो जो पिक्चर ड्रो करके दिया है, जो वो सेम सही है, तो उसको हम लिखेंगे यस, और जो पिक्चर ड्रो किया है उसके अलावा हमने सेंटेंस भी लिखा है। यहाँ पर सपोज के आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर मैंने एक काइट ड्रो की है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इज दिस अ काइट, इज दिस अ काइट। तो आप देख सकते हो पिक्चर कि ये काइट है। आपको यस और नो में आपको सेंटेंस कंप्लीट करनी है, तो आप देख सकते हो ये काइट मैंने ड्रॉ की है, तो आपको वहां पर यस लिखना है या नो, तो आपको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ये काइट
पिक्चर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैट। तो इसके सामने आंसर आएगा यस, इसके सामने आंसर आएगा यस, इट इज अ कैट, यह कैट है। सपोज के यहाँ पर कैट नहीं है, यहाँ पर चेयर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने लिखा है चेयर, इज दिस, यहाँ पर हम चेयर लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, चेयर। तो पिक्चर देख सकते हो, ये चेयर का पिक्चर नहीं है, ये किसका पिक्चर है, काइट का पिक्चर है। तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, नो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नो, इट इज नॉट अ चेयर, इट इज नॉट अ चेयर, इट इज नॉट अ चेयर। तो उसका सही आंसर लिखना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज अ काइट। तो यहाँ पर मैंने यस और नो भी मैंने आपको रिवीजन करवा दिया, और जो आगे का जो लेसन था वो सारे के सारे आई होप अच्छी तरह समझे होंगे, द सेवन ब्रदर्स, वी आर, फिर कैट के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, फिर हॉर्स के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं, फिर आई एम की मदद से इतनी सेंटेंस लिखने थे वो भी मैंने आपको सिखा दिए थे, फिर हॉस्पिटल में कौन काम करता है, तो नर्स काम करता है, वो भी मैंने आपको सिखा दिए थे। आई होप ये मैंने आपको अच्छी तरह समझाया होगा और आप अच्छी तरह समझे भी होगे। आपको मैंने दो होमवर्क में दिया था कि 10 दिस इज की सेंटेंस की मदद से आपको 10 सेंटेंस बनाने, और 10 दैट इज की मदद से, वो दो आपको मैंने होमवर्क में दिया है। तो आई होप आप वो होमवर्क के रूप में वो दो दिस इज और दैट इज की मदद से 10 सेंटेंस बनाऊंगी। तो यहाँ पर जो हमारा न्यू जनरल इंग्लिश कोर्स बुक है उसकी जो रिवीजन के रूप में मैंने आपको जो जो सीखा है वो आप अच्छी तरह सीखे होगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी जो फर्स्ट की जो टेक्स्ट बुक है वो लेके बैठना है। थैंक यू स्टूडेंट।